टाइगर हिल के बाद अभी हम आ गए हैं बतासिया लूप के पास, और बतासिया लूप भी दार्जिलिंग का काफ़ी पॉपुलर टूरिज्म है। और यहाँ से होता है पीछे में एंट्री गेट है, गेट नंबर 2 से अभी हम एंट्री करेंगे एंट्री गेट बतासिया लूप का। और सामने में है टिकट काउंटर, सामने में है टिकट काउंटर, और टिकट काउंटर पे जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है 30 रुपीज एंट्री, तो एंट्री 30 रुपीज का है, तो लेते हैं अभी पहले टिकट। तो ये कुछ ऐसा रहा 30 रुपीज़ का टिकट बतासिया लूप का वार मेमोरियल, और यहाँ से ऊपर बढ़ते हुए कुछ ऐसा रास्ता। सामने का व्यू देख रहे हैं काफ़ी प्यारा लग रहा है, बादल पूरा एकदम पहाड़ों में बिछा हुआ। यहाँ से साइड व्यू काफ़ी कमाल का। टॉय ट्रेन यहाँ पे भी चलता था लेकिन अभी सुन रहे हैं अभी चल नहीं रहा है। बाकी ये अब देख रहे दो चारों तरफ ये जो बतासिया लूप है ना, यहाँ पे चारों तरफ ये टॉय ट्रेन चलता रहता था तो अच्छा लगता था। बाकी ये कुछ इस तरह का गार्डन और आगे में शहीद मीनार, और अच्छा लग रहा है। सामने का भी बिल्डिंग वगैरह पूरा बहुत ही प्यारा। यहाँ पे ये दूरबीन का 50 रुपीज़ चार्ज है, और दो बंदे से है तो 60 रुपये 70 रुपये में भी दो आदमी को दिखा देता है। बाकी यहाँ पे ड्रेस का भी है कि आप अपना ड्रेस भी ये इस तरह का ड्रेस पहन के फोटो शूट करा सकते हैं यहाँ पे दार्जिलिंग ड्रेस। तो जो ड्रेस का आपको बता दूँ कि 50 रुपीज़ यहाँ पे भी ड्रेस का आप पहन के आधे घंटे के लिए आप फोटो वोटो क्लिक करा सकते हैं, तो पहनते हैं अभी हम भी। सर एक्सक्यूज मी सर, अगर फोटो खिंचवानी हो तो कहिएगा, ठीक है ना। तो बन चुका हूँ अभी मैं पहाड़ी, कुछ इस तरह का यहाँ पे ड्रेस जो कि आपको बता दूँ 50 का है, और अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अगर आते हैं तो दार्जिलिंग में ये सब ड्रेस पहन के फोटो वोटो ले बहुत ही प्यारा लग रहा है। कुछ ऐसा कैसा लग रहा है आपको कमेंट करके बताएं अपना ये लुक, पहाड़ी लुक। और थोड़ा टाइम ये इसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता है कि आप तुरंत में उतार दो, आप आधा घंटा भी यूज़ कर सकते हो इसको कपड़ा को। बाकी कुछ फोटो वोटो लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं यहाँ का। यहाँ पे देख रहे हैं जैसा कि आपको स्वेटर और स्कार्फ वगैरह टोपी ग्लव्स वगैरह सब कुछ का यहाँ पे दुकान है, और रीजनेबल प्राइस रहता है यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं रहता है। ये नहीं कि एकदम टूरिस्ट प्लेस है तो बहुत ज़्यादा प्राइस रहेगा, वैसा कुछ नहीं है, सब रीजनेबल प्राइस रहता है। शॉल का मतलब 150-200 में आपको ये सब शॉल मिल जाएगा। और ये देख रहे हैं टॉय ट्रेन अभी यहाँ पर बंद किया हुआ है, टॉय ट्रेन जब चलता है ना ये चारों तरफ तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये गार्डन, यहाँ पे रहा आई लव दार्जिलिंग सेल्फी पॉइंट। वो मान लीजिए जन्म लेता है ना जो उसके लिए 2-3 महीने के लिए। Oh, no, no, no.
तो निकलते हैं अब यहाँ के बताशिया लूप से। अच्छा लगा यहाँ पे, मतलब थोड़ा टाइम स्पेंड किया और यहाँ का ड्रेस वगैरह पहन के ना फोटो बहुत प्यारा आया। तो निकलते हैं अब यहाँ से। आपको कैसा लगा ये बताशिया लूप कमेंट करके बताएं, और अगर दार्जिलिंग आते हैं तो एक बार ज़रूर विजिट करें। मॉल रोड के पास में ही है ये, ज़्यादा दूर नहीं, लगभग 2 किलोमीटर होगा, और यहाँ विजिट ज़रूर करें। तो निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।